और अब बात करते हैं रायबरेली की, जहां नगर कोतवाली पुलिस ने और एसडीओ की टीम ने शहर और दूसरी जगहों पर हो रही चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए अंतर जनपदीय दो सातिर चोरों को लूटे गए माल के साथ गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से जेवरात समेत दूसरी वस्तुएं भी बरामद की गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भदोखर पुलिस ने लूट और टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जहां एसपी कार्यालय लाकर वारदात का खुलासा किया गया। विराट 24 न्यूज के लिए रायबरेली से श्रवण कुमार की रिपोर्ट। पिछले दिनों एक महिला के साथ उसकी बाली छीनने की घटना कारित की गई थी। उस पर पुलिस ने अपनी जानकारी प्रारंभ की और अंततः दत्वा आज एक अभियुक्त पकड़ा गया है, जिसका नाम पवन है। वो जबलपुर का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि इसके द्वारा अन्य भी कई घटनाएँ की गई हैं। इसमें जबलपुर में भी एक महिला का बैग छीना था, जिसमें फ़ोन भी चला गया था। वो फ़ोन भी इनके पास से बरामद हुआ है। इसके अलावा इनके द्वारा हरचंदपुर में भी एक घटना की गई थी, जिसमें चेन छिड़ा गया था, चेन का टुकड़ा बरामद किया गया है। इसके साथ इसका जो साथी है उसकी तलाश की जा रही है। जिस मोटरसाइकिल पर ये घटनाओं का अंजाम देते थे, वो मोटरसाइकिल भी बरामद की जा चुकी है। इनके कब्जे से एक वो कट्टा भी बरामद हुआ है और इनका आपराधिक इतिहास ज्ञात करने पर पता चला है कि पूर्व में भी 2016 से लेकर के अभी तक इनके विरुद्ध इस तरह के मामलों के कई मुकदमे पजिशे थे। ये शातिर अपराधी है और ये और इसका साथी मिलकर के इन्होंने जनपद में कई घटनाओं का अंजाम दिया है। इनके पकड़े जाने से मुझे पूरा विश्वास है इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगा।